नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ रुचि श्रीवास्तव। खबर देवरिया जनपद के खामपुर से है, जहां थाना क्षेत्र के अंतर्गत भिंगारी गांव के रहने वाली निवासी सीता देवी ने पत्रकारों से हुई बातचीत में अपना दर्द बयां किया और न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि सीता देवी और उनके पति का कहना है कि उनकी जमीन पर पुलिस ने जबरन कब्जा कर लिया और उस पर पुलिस चौकी का निर्माण कर उद्घाटन भी कर दिया। बता दें कि पीड़ित परिवार ने इस मामले पर कई बार एसपी से गुहार भी लगाई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से ना सुने जाने पर पीड़ित परिवार ने सूबे के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को शिकायत पत्र भेजा है, लेकिन कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। सर, समस्या यह है कि हम 861 नंबर की घाटा संख्या जमीन रजिस्ट्री है इनके नाम, सीता देवी के नाम से। उस जमीन पर ये लोग पुलिस वाले जबरदस्ती जो 62 नंबर की बंजर भूमि दिखाई गई है उस पर ये लोग कब्जा कर लिया है। श्रीमान वो 28 मई 2004 को न्यायालय ने स्टे दे रखा है, स्टे के बावजूद ये लोग नहीं माने, जबरदस्ती ये लोग कब्जा कर लिए। हम लोगों ने कितना ही रोका, ये लोग नहीं माने। तब श्रीमान ये लोग हालांकि है कि 19 को एसपी साहब आने वाले हैं, लेकिन 19 को ना जा कर 18 तारीख को ये पहुँच गया उद्घाटन के लिए। तब तक हम लोगों ने जाकर अपना ज्ञापन उनको दिया, हम लोग का वो लोग रोक मार लिया है, हम लोग का जमीन जबरदस्ती कब्जा कर लिया, उसी पे पुलिस चौकी बना के उसी का परसों उद्घाटन था। वहाँ जाने पर भी वो लोग ने नहीं माने और नहीं कोई उसका कोई फैसला हुआ। समझाए खाली कि जाइए आपस में समझौता कर लीजिए। एसपी साहब ने गए थे और उनके सामने मैंने जाके अपना दी कागज वो दिखाई, उसके बावजूद उन्होंने कुछ कहा नहीं, कहा कि ये समझौता आपस में कर लीजिए और कितनों न्याय मांगी कि न्याय दीजिए, मुझको न्याय चाहिए, मेरे 5 लड़के हैं, कहाँ सब जाएंगे, कोई दूसरा जगह जमीन नहीं है, हम लोग ही में परेशान है, कुछ नहीं सुने। गोरखपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद के आदेश के बाद अवैध रूप से सरकारी आवास में रह रहे पुलिसकर्मियों से आवास को खाली कराया जा रहा है। बता दें कि उन्हें खाली करवाने की प्रक्रिया लगातार 2 दिन से चल रही है। इस पर सीओ विनय पांडे, एसीएम और राहुल भाटी का कहना है कि एक हफ्ते के अंदर जो लोग यहां अवैध रूप से रह रहे हैं उनसे ये खाली करवा लिया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब के आदेश के क्रम में कुल 160 ऐसे आवास हैं जो जिनका समयावधि यहां पर पूरी हो गई है, जो या तो स्थानांतरित हो गए हैं या रिटायर हो गए हैं या जो मृतक आश्रित थे जो यहाँ पोस्टेड नहीं है। ऐसे लोग जो काफ़ी वर्षों से बिना किसी परमिशन के ओवर स्टे कर रहे हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, ऐसे कुल 160 मकान चिन्हित करके उनको खाली करवाने की प्रक्रिया की जा रही है। इसमें आदरणीय एसीएम फर्स्ट साहब श्री विनय पांडे जी हमारे साथ में हैं और पिछले 2 दिन से ये प्रक्रिया चल रही है और विद इन वीक हमें उम्मीद है कि ये लोग अपना जो घर है जो अवैध रूप से काबिज़ हैं जिस पर ये खाली कर देंगे। मानीमाऊ स्थित कोल्ड स्टोरेज के पास शुक्रवार को अचेत अवस्था में एक अधेड़ रोड किनारे सड़क पर दिखाई दिया। वहीं स्थानीय ई रिक्शा चालक ने 108 एम्बुलेंस को सूचना कर अधेड़ को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि मृतक की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। जैसा भी लोग लाए हुए हैं तो ये बता रहे थे कि उसके साथ कोई भी नहीं, अननोन बॉडी की गई है और वो मृत अवस्था में आया था। उसको चेकअप के बाद उन लोगों ने घोषित कर दिया। क्या सर उसका नाम पता कुछ सामने निकल कर आया? मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है, जिसे होगी बाकी पुलिस इन्फॉर्मेशन। जनपद नैनीताल के दौरे में मुख्यमंत्री के विशेष प्रमुख सचिव सूचना अभिनव कुमार ने सर्किट हाउस कोर्ट गोदाम में सूचना विभाग के अधिकारियों की बैठक में बताया कि सूचना विभाग के 4 धाम यात्रा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जनता से 4 धाम यात्रा करते वक्त सावधानी बरतने की अपील की है। आपको बता दें कि इस मौके पर डीआईजी नीलेश कुमार आनंद भरने, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट, अपर अधिकारी भी मौजूद रहे। यूपी के पीलीभीत जनपद की रहने वाली एक दलित नाबालिग छात्रा ने एक लिपिक पर रेप के गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि आरोपी युवक नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देते हुए उसके साथ लगातार संबंध बनाता रहा, जिसके बाद नाबालिग ने इस घटना के बारे में अपने परिजनों को बताया। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में फौरन तहरीर दी, तो वहीं पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया।
कि मेरे पास एक शिकायत मिली है जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा जो लड़की के माँ को झांसे में लेके नौकरी दिलाने के नाम से लड़की के साथ दुष्कर्म करने की बात सामने आई, तत्काल तुरंत ही FIR सुसंगत धारा में दर्ज किया गया है और एक घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार किया गया है, उसको न्यायिक हिरासत में आज भेजा जा रहा है। बाकी लड़की के 164 भी कराया जाएगा, उनका मेडिकल परीक्षण भी कराया जाएगा, न्यायोचित कार्रवाई करते हुए तत्काल उस पर कार्रवाई की जा रही है, साथ साथ उनको सजा दिलाने हेतु पूरा प्रयास किया जा रहा है। खबर अलीगढ़ से है, जहाँ एक बार फिर से जेब कतरों का आतंक दिखाई दे रहा है। दो जेब कतरों ने एक परिवार के जेब काट दी, जब तक वे लोग मौके से भागते उससे पहले ही उन चोरों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया और पब्लिक ने उन टप्पेबाजों की जमकर पिटाई भी की। अगली खबर संभल से है, जहां सपा सांसद की रिहाई की खुशी की लहर देखने को मिली है। आपको बता दें, लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया है। इसके साथ ही शरबत वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। खबर बदायूं से है, जहां एक दुखद बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां एक ही दिन में दो शिशुओं की मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यह मामला शिव शक्ति अस्पताल का है। बच्चों की मौत के पीछे डॉक्टरों की लापरवाही बताई जा रही है। फिलहाल अस्पताल का स्टाफ मौके से फरार चल रहा है, तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है। अखबारों से प्राप्त जो सूचना है उसके आधार पर जब यहाँ पे हमको, जब हम एक दिन पहले आए थे तो हमको कोई यहाँ मिला नहीं था, लेकिन हमने यहाँ पर नोटिस जो भी एक व्यक्ति था उसको हमने दे दिया था। सब तरफ यहाँ ताले पड़े हुए थे और आज जब हम पुनः दोबारा आए हैं तो ये अस्पताल देखने पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यहाँ से सब कुछ हटा लिया गया, परंतु इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई कराई जाएगी और इनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अगर ये पुनः दोबारा खुला पाया गया तो पुनः नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जब नोटिस के बाद तो इनके तरफ से कुछ कोई चीज़ प्राप्त नहीं हुई है। अगली खबर अमेठी से है, जहां घूस लेते हुए लेखपाल का वीडियो सोशल मीडिया पर धुएं की तरह वायरल हो रहा है। पीड़ित ने जिले के जॉइंट मजिस्ट्रेट को शिकायत दर्ज करा दी है। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट ने लेखपाल को निलंबित कर दिया, साथ ही तहसीलदार को जांच के आदेश भी दे दिए हैं। हरदोई में भी यूपी के अन्य शहरों की तरह आधार कार्ड धारकों का तांता लगता दिखाई दे रहा है। योगी के आदेश के बाद दिन भर ये भीड़ बढ़ती नजर आ रही है। बता दें कि 1600 से अधिक जमा हो चुके राशन कार्ड, साथ ही DSO ने कहा कि अपात्र लोगों की जांच होगी। दोपहर तक जिला पूर्ति कार्यालय, यहां मुख्यालय और तहसील कार्यालयों को मिला के 1500 से ऊपर लोगों, बल्कि 1531 लोगों ने अपने कार्ड सरेंडर के एप्लीकेशन दिए। मुख्य रूप से ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के लिए अलग अलग मानक हैं। तो नगरीय क्षेत्र में जिनके भी सालाना आमदनी 3 लाख रुपये से अधिक है, चार पहिया वाहन रखते हों, स्वार्जित मकान 100 वर्ग मीटर से अधिक हो, व्यावसायिक दुकान 80 वर्ग मीटर से अधिक हो, ये लोग अपात्रता की श्रेणी में आते हैं। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में अगर 5 एकड़ से अधिक भूमि रखते हों, ट्रैक्टर रखते हों, हार्वेस्टर वगैरह इस तरह के इनके पास उपकरण हों और सालाना आमदनी 2 लाख रुपये से अधिक हो ग्रामीण क्षेत्र में, तो ये लोग इस योजना के लिए अपात्र हैं। तो उस अवेयरनेस के बारे में मुझे ये बताना है कि पहली तो ये कि पात्र लोग घबराए नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे भी एप्लीकेशन आ रहे हैं जो पात्र हैं लेकिन डर के मारे आ रहे हैं। श्रावस्ती में एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसमें गलत उपचार की वजह से एक युवक के पैर खराब हो गए। परिजनों ने इस मामले को लेकर पुलिस को सूचना भी दे दी। सोनभद्र में एक आपसी विवाद के चलते पति ने पत्नी को बुरी तरह से घायल करके मौत की नींद सुला दिया। आपको बता दें कि कौन थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत करईल के महाराव टोले का है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक ये हत्या धारदार हथियारों से की गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पति ने पत्नी की हत्या के बाद आत्महत्या भी कर ली। जनपद श्रावस्ती में पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय में अहम बैठक हुई है। आपको बता दें कि ये बैठक व्यापारियों के समुचित सुरक्षा व्यवस्था और उनकी समस्याओं को तुरंत निराकरण हेतु हुई है। इस बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक ने सभी व्यापारियों से सुरक्षा व्यवस्था और समस्याओं के संबंध में गहनता से जानकारी भी ली।
उत्तरकाशी के जिला अस्पताल से 5 दिन पहले गायब हुए मरीज का अब तक पुलिस कोई पता नहीं लगा पाई है। मरीज के गायब होने से परिजन परेशान हैं, तो वहीं परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस शख्स को ढूंढने में नाकामयाब साबित हो रही है। इसके साथ ही परिजनों द्वारा अस्पताल प्रबंधन पर भी मरीज की देखभाल में लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। औरैया शहर में दबंगों की दबंगई थमने का नाम ही नहीं ले रही है। हाल ही में दबंगों द्वारा एक युवक की जमकर पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल होता नजर आ रहा है। पीड़ित ऋतिक का आरोप है कि रंगदारी ना देने पर दबंगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। तो वहीं कोतवाली में ये पूरा मामला दर्ज होने के बाद भी अब आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।